हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? क्या आपको भी दोस्तों के साथ मस्ती करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आया? तो अगर नहीं समझ में आया तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं इस पर वीडियो लेकर आ गया हूँ। और मुझे पूरा यह कहना है कि आपको इस ये वीडियो देखने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, मतलब तो आप ये बना सकेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या, तो ये ना इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग मतलब सेल में। देखिए ये ना दो तरीके से होता है। पहले मेथड का नाम है के एलेमेन वाला मेथड है, देखिए। और ये अब ये के एलेमेन क्या है, तो ये जो के एलेमेन है ना, ये ना इसका ऑर्बिट का नेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑर्बिट का नेम है, ये वन सेल नंबर वन है, तो 1 2 3 4 ऐसे ही। अब देखिए, अब इसको निकालने के लिए एक रूल होता है, 2n² रूल, ठीक है। अब इसी से हम लोग निकालते हैं। जैसे और जो ये n है ना, ये ना ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आखिर कौन से नंबर का सेल है। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सोडियम का कैसे 2n² रूल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया है। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर ये 11 होता है। पहले सेल में, के सेल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, अब बता 8 2 10 और 11 इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ फिल करना है। तो अभी ये आ गया यहाँ पर 1। अब ये वैलेंसी हो गया, अगर आपको वैलेंसी चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, पर अभी देखिए, ठीक है। अब ये हो गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका 2n² रूल से पहले ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल सेल में अब यहाँ पर 2 हो गया, इसका 8 ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो देखिए अब इसका तो ये तो होगा ना, 2n² से 8 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इसी वजह से हम लोग जितना बाकी उतना लिख देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और भी मैं आपको बाद में बताऊँगा जब नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब दूसरा मेथड होता है SPDF वाला मेथड। तो SPDF वाले मेथड में मतलब ना ये SPDF ना कुछ नहीं है, मतलब ये KLMN है ना, इसके अंदर में एक स्पेशल टाइप का एरिया है जिसको मतलब ये कोई समझ, सपोज ये कोई एरिया हो, उसके अंदर का एरिया हुआ ये SPDF, ठीक है। हम देखे थे SPDF, तो 1K में एक K शेल में सिर्फ एक S रहता है, L में SP, M में SPD, N में SPDF, ओ में SPDF, फिर घटना स्टार्ट हो जाता है, फिर पी में SPD, फिर क्यू में SP, फिर आर में S। देखिए अब ये मैंने 1 2 क्या लिखा है, तो ये जो 1 2 है ना, ये ना सीरियल को, सीरियल नंबर को दिखला रहा है कि आखिर कौन से सेल में। जैसे के फर्स्ट सेल है तो उसका 1S। अब जो मालूम होना चाहिए ना, सब जगह S लिख देंगे तो कैसे मालूम रहेगा कि आखिर कौन से सेल का S है। तो ऐसे 1S, L के लिए 2S, ठीक है। अब देखिए, अब ये S में भी जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं ना, वो स्पेशल हम लोग एक बॉक्स में फिल करते हैं। जैसे देखिए एस में फिल करने के लिए एस में सिर्फ एक ही बॉक्स रहता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पी में 3 बॉक्स रहते हैं, ठीक है, पी में 3 बॉक्स, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। डी में 5 बॉक्स रहते हैं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 बॉक्स रहते हैं तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन। हाँ देखिए, भरने का भी एक रूल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पी है, समझ सपोज, ठीक है। अब भरने के लिए ना हम लोग डायरेक्ट ये नहीं कि ऐसे ऐसे भर देंगे, ऐसे ऐसे नहीं, पहले ये भरना है, फिर ये, फिर ये, उसके बाद फिर ये भरना है, ये, ठीक है। अब देखिए समझ गए। अब देखिए, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कैसे क्या करिए SPDF वाले मेथड से होता है। तो देखिए, जो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है ना, इसको पहले आपको इधर लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद अब आपको ना इसको ऐसे आप काटना है, मतलब एकदम ऐसे है। देखिए पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3p, 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5p, ऐसे ही आपको काट लेना है। आप देख रहे हैं टेबल, आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप जैसे 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 पहली बार कटा ना, जैसे 1s पहले कटा है, फिर 2s कटा है, फिर 2p कटा है, फिर 3s, फिर देखिए 3s के बाद उसके बाद फिर डायरेक्ट है 3p, तो उसके बाद फिर 4s, देखिए आप 3p के बाद 3d नहीं आया, 4s आया, फिर 4, फिर 3d, ठीक है। ऐसे सीरियल नंबर वाइज करना है, ठीक है। अब देखिए, अब जरा हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अभी उधर मत देखिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक अगर पहले सोडियम का करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जैसे एटॉमिक नंबर है इसका ये 11, तो जैसे पहले ना पहले पहले वाले एस में पहले भरना स्टार्ट करते हैं, तो ये रहा एस, एस में कितना होता है 1, तो 1 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, फिर 2s, तो 2s में भले ही m, भले ही l का s है, पर फिर भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ऐसी ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, ठीक है। अब फिर क्या है p, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 3,
तो यहाँ पर तीन रहेगा, दो दो चार दो छः, तब जरा जोड़ते हैं कितना हो गया, दो दो चार दो छः, दो दो चार और छः आठ, हम क्या बोल रहे हैं, दस। फिर देखिए यहाँ पर थ्री एस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वन, क्योंकि ग्यारह ही सिर्फ इसको 11 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 10 हो गए हैं, तो यहाँ पर इसके लिए एक एक्स्ट्रा आ जाएगा वन। यहाँ पर भले 2 भराएगा पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतने इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है। और देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो पहले 1s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, और फिर और हमको 2 ही चाहिए, तो 2p में 3 बॉक्स बनाएंगे लेकिन उसमें 2 ही में भरेंगे। अब देखिए जरा लिखना स्टार्ट करते हैं, अभी के एल एम वाले में अब फिल करते हैं। तो देखिए इससे आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा। तो देखिए पहले 1s, ठीक है, तो 1s में 1, पहले 1 को ढूंढिए, तो 1 सिर्फ एक ही है, उसमें भी कौन सा है, s, तो ये 1 मिल गया, 2, तो यह देखिए मैंने सोडियम के लिए यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 2 को ढूंढिए, 2 किस लिए रिप्रेजेंट होता है, एल के लिए, तो एल यहाँ पर है और एस पी दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 2 8, यहाँ पर मैंने देखिए 8 लिख दिया। अब फिर ये 3s, 3 किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, m के लिए, तो m एक ही है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1, तब इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1, ठीक है। या ऐसे यहाँ पर कार्बन का पहले 1 का ढूंढेंगे, पहले 1 किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, इस के लिए, तो के में कितना है, 2, सिर्फ 2 ही है, फिर 2 में एल, एस पी दोनों को जोड़ देंगे, 2 2 4, तो यहाँ पर 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2n4। आशा है कि आप लोग को समझ में आया हो गया। थैंक यू।